Hi friends, welcome to my channel. I want to tell you something good about Naigaon, जहाँ पे यहाँ पे कुछ development हो रही है. एक अच्छी खबर है, आप खुद ही देख लीजिए इस वीडियो में क्या अच्छी खबर है. हाय, Naigaon वालों के लिए और एक खुशखबर है. It's a reason to be happy. मैं भी right now Naigaon East में हूँ. वो जो फाटक है जू चंद्रा का, वहाँ पे हूँ मैं. ये वो फाटक है. एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ईस्ट वेस्ट का जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसका एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जहाँ पे ये जू चंद्रा का फाटक है, यहाँ पे ट्रैफिक लग सकता है. तो यहाँ पे एक ब्रिज बनना ज़रूरी है. एंड द गुड थिंग, एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ना ब्रिज का काम चालू हो गया है. ये यहाँ पे अभी ब्रिज का काम शुरू हो गया है. दे हैव स्टार्टेड द ब्रिज वर्क. ओ ये दिस इज़ द ब्रिज. यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है. और ये जू चंद्रा का फाटक है. दिस इज़ द जू चंद्रा फाटक, दिस वन. तो यहाँ पे ना ट्रैफिक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर का जो स्टार्ट हो गया, और अगर सपोज़ पूरा ट्रैफिक वसई का जो वेस्ट का ट्रैफिक है, वहाँ का उस तरफ का ट्रैफिक इस तरफ आने लग गया, तो इस लेन में काफ़ी ट्रैफिक हो सकता है. यहाँ पे जैम हो सकता है अगर ये फाटक लग गया. तो ज़रूरी क्या था, इसके ऊपर से एक फ्लाईओवर होना या फिर एक अंडरग्राउंड रोड होना, जिससे कि गाड़ियाँ रुके नहीं यहाँ पे. अगर ट्रेन आती है, फाटक लग भी जाता है, तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो दैट्स द रीज़न गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक प्रपोजल डाला था. लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ पे एक प्रपोजल डाला था कि यहाँ पे एक ब्रिज का काम स्टार्ट करो. और द गुड न्यूज़ इज़ दैट यहाँ पे ब्रिज का काम स्टार्ट हो गया है. मैं नज़दीक जाके आपको ये वीडियो दिखा के बना के दिखाता हूँ. सो आप वीडियो के एंड तक देखिए. क्या आप ये बोर्ड पढ़ सकते हो? देखिए मराठी में लिखा हुआ है, उड़ान पुल से काम चालू है, वाहने सावकाश चालवा. सो दिस सेज दैट द ब्रिज ओवर हियर ऑन द जू चंद्रा फाटक इज रियली हैपनिंग. ये होने वाला है. तो हम लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर अभी स्टार्ट हो जाए फाटक. वी विल बी रियली हैप्पी. हम लोगों को ये बहुत खुशी होगी अगर ये फाटक बन गया और ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया. तो मैं जस्ट थोड़ा नज़दीक जाके देखता हूँ यहाँ पे वर्कर्स लोग हैं. कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या इन लोगों से कि कब तक ये ब्रिज बन सकता है और क्या क्या हो सकता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है क्या इनको इस ब्रिज के दौरान. हाय भाई, ये यहाँ पे क्या बन रहा है? कौन सा ब्रिज है? फाटक के ऊपर का? हाँ, तो फाटक के ऊपर का ब्रिज बन रहा है ये. अब ये ब्रिज का जो काम है, इसको स्टार्ट हुए कुछ एक महीना हो गया है. ये जो मशीन्स लगी हुई है और यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये देख के आप लोगों को भी खुशी होगी जितनी मुझे खुशी हो रही है. आई एम रियली हैप्पी दैट कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो रही है ईस्ट में. मैंने लास्ट ये वाले वीडियो में जो बताया था वो वेस्ट का था, जहाँ पे वो ब्रिज का काम चल रहा है. लेकिन दिस इज समथिंग गुड हैपनिंग ओवर हियर. मुझे अच्छा लग रहा है कि ये काम देख के, कि यहाँ पे एक ब्रिज का ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो इस जू चंद्रा फाटक ओवर हियर, ये जो रेलवे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है, इस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से जाएगा, ताकि ट्रैफिक का इशू ना हो और लोकल लोगों को कोई दिक्कत ना हो. खरंच बरं वाटतं आहे. स्वप्निल, हा अपडेट तुझ्यासाठी. नायगावमध्ये राहतोस आणि आपल्या मित्राचं जे हॉस्पिटलचा जे इश्यू झाला होता, लवकरात लवकर हे स्वप्न पूर्ण झालं तर बरं होईल. ह्या ब्रिज, ह्या ये ब्रिज के वजह से ईस्ट वेस्ट का फ्लायओवर जो है वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो जल्दी हो जाएगा. एक महीना हुआ है इस काम को स्टार्ट हुए. आई होप जल्दी बन जाए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मैं आप लोगों के जो रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, वो देख के मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालूँ. सो कीप सपोर्टिंग मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. और मैं कोशिश करता हूँ कि Naigaon में जितने भी डेवलपमेंट्स हैं,
जो 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 डेवलपमेंट्स हो रही है उन सबको कवरअप करूँ। मेरा कोई खास इसमें कुछ ऐसा है, ये नहीं है कि मैं कुछ इससे कमाना चाहता हूँ समथिंग लाइक दैट, बट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू प्रोवाइड। क्योंकि नायगांव एक टाइम पे ना कुछ नहीं था, अभी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, सो आई एम फीलिंग प्राउड कि नायगांव काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, इट्स अ रियली गुड थिंग। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट, एंड यू थैंक्स अ बिग थैंक्स टू द पॉलिटिशियन ओवर हियर और टू द गवर्नमेंट हु इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप एक साल में ये ब्रिज कम्प्लीट हो जाए और हम लोग वो ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर यूज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।